हाँ जी, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइडर। और मैं आ गया हूँ एक और न्यू बाइक पे, ब्रांड न्यू हीरो एक्सपल्स 200। आज इसकी भी टेस्ट राइड ले लेते हैं, देखते हैं कैसी चल रही है बाइक, चलने में कैसी है, लेने लायक है या नहीं है। तो भैया, इस बाइक को मैं राइड कर रहा हूँ लगभग 40 किलोमीटर से। वीडियो बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, कोई भी बाइक को 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर राइड कर लेता हूँ। उसके बाद जब मेरा दिल ठुकता है कि हाँ यार ये वीडियो बनाने लायक है बाइक, इसमें क्या कमी है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो तभी वीडियो बनाता हूँ। उससे पहले मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि यार जब तुम्हें पता होगा जिस बाइक के बारे में यार, तभी तो तुम वीडियो बना पाओगे, तभी तो सही रिव्यू दे पाओगे। अभी कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं कि भाई मुझे कंपनी वालों ने पैसे दे दिए और मैं इसकी तारीफ हो गए पुल बांध दूँ, तो ऐसा नहीं है ना भाई। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंजन के बारे में बता देता हूँ मैं। इसका जो इंजन है वो 199 cc का इंजन है, ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व सिंगल सिलेंडर OSC इंजन है इसका, जिसकी मैक्सिमम पावर है 17.8 bhp और मैक्सिमम जो RPM है वो है इसके 8500। और भाई इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 17 Nm के आसपास, 6500 RPM पे 17 Nm टॉर्क अचीव कर जाती है बाइक, मतलब के 2000 RPM और लेफ्ट रह जाते हैं। और इसके फ्रंट सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो है 190 mm और 10 मोनोशॉक सेटिंग है इसके अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की 220 mm है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। आगे के जो फ्रंट ब्रेक है वो 276 mm के पेटल डिस्क सिंगल चैनल ABS है, और रियर वाला जो है वो 220 mm पेटल डिस्क है। फ्रंट टायर का जो साइज़ है इसका वो 90x90x21 है, और रियर वाला जो टायर का साइज है वो है 120x80x18। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये बाइक जो है हमारे अजय भाई की बाइक है, जिनके पास ड्यूक 390 थी। ड्यूक 390 लेने के बाद उन्होंने एडवेंचर कैटेगरी की बाइक को सर्च कर रहे थे, यार कोई सस्ती सी एडवेंचर कैटेगरी की कोई बाइक मिल जाए। एडवेंचर 390 वो लेने नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी 390 है तो वो 390 को बेचना चाहते नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपन एक्सपल्स लेंगे, क्योंकि इस बाइक की भी काफ़ी तारीफ सुनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक के अंदर है 5 गियर, 6 गियर नहीं है, 200 cc का इंजन है, तो भाई वो भी नॉर्मल इंजन है ऑयल कूल्ड, तो 5 गियर तो होंगे ही। बट इसकी जो कैटेगरी है वो है एडवेंचर बोले तो एडवेंचर 390 KTM, एडवेंचर 390 हिमालयन, और भी आती हैं जैसे वर्सेस 300 Kawasaki। बट हम उन बाइकों से इसको कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यार वो अलग सेगमेंट की बाइक है, ये अलग सेगमेंट की बाइक है। बट भाई इस बाइक का भी अपना एक टेस्ट है, इस बाइक का भी अपना एक स्वाद है कि भाई ये बाइक आप ले लोगे तो इस पर टूरिंग एक नंबर करोगे, टूरिंग में मज़ा आएगा तुम्हें करने में इस बाइक पर। सीट हाइट जो है इस बाइक की, सीट हाइट ऐसा लग रहा है कि भाई आप आसमान में बैठे हो। सभी एडवेंचर बाइकों की सीट हाइट यार ऊपर ही होती है, ऊंची होती है, और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होती है, तो भाई उस हिसाब से इसकी भी सीट बनी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी। लेकिन भाई बाइक जो है 200 cc की बाइक है, बट कहीं से भी नहीं लग रहा कि भाई ये 200 cc की बाइक है। तो कुछ दिन पहले मैंने जावा की वीडियो भी बनाई थी, 300 cc है वो भी, और एकदम कम्फर्ट राइडिंग पोस्चर है उसका भी, वो भी एक टूरिंग बाइक है, ये भी एक टूरिंग बाइक है। तो भाई इस बाइक के बारे में ये कह सकते हो कि यार 200 cc की बाइक हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बाइक भाई 100+ आराम से चली जाती है, 120 तक आराम से क्रूज हो जाती है बिना किसी वाइब्रेशन के। हैंडल बार में भी इतना खास वाइब्रेशन नहीं है। बाइक में स्पोक व्हील है, एडवेंचर बाइक है तो स्पोक व्हील मिलेंगे। स्पोक व्हील पे भी यार बाइक बहुत स्टेबल है, ये ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं डाल पा रही, क्योंकि इसकी जो विंडो स्क्रीन है बहुत छोटी है, विंडो ग्लास पूरी पूरी आ रही है। बट ये कि आप इसे 150 तक तो चला नहीं सकते, 120-130 तक मैक्सिमम क्रूज़ कर सकते हो, तो इसकी कुछ खास रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी नहीं। विंड ब्लास्ट अगर ज़्यादा जोर मारती है तो 130-140 के आसपास मारती है, या हवा ज़्यादा हो तो मारती है। ब्रेकिंग सिस्टम चेक कर लेते हैं बाइक के, थोड़ा सा ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक मार लेते हैं। वाह, ब्रेक के मामले में भी यार बाइक सही है,
एक बार और टेस्ट कर लेते हैं ब्रेक इसका भी थोड़ा सा रेव करके, क्योंकि यार पैनिक ब्रेकिंग जो होती है ना, वो बंदा जब हाई स्पीड पे चल रहा होता है, मतलब 80-90 के आसपास चल रहा होता है या 90 प्लस चल रहा होता है, तभी पैनिक ब्रेकिंग करने का फ़ायदा है। उसमें पता लगता है कि यार ब्रेक में कितना दम है। बाकी 50-60 की स्पीड पर ब्रेक मारना तो मैं समझता नहीं कि समझदारी है ब्रेक चेक करना। मतलब अभी अपन यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक में रास्ता मिले तो ब्रेक भी एक बार और चेक करें। तो भाई बाइक पहुंच गई है 85 प्लस, ये पहुँचा दी मैंने 100। और पैनिक ब्रेकिंग लेते हैं। ओह सही है भाई, सही है, इफेक्टिव है इसके ब्रेक भी। आजकल यार मेरे हिसाब से जो बाइकें आ रही हैं उनके ब्रेक सिस्टम कंपनियां बहुत अच्छे से ध्यान रखकर बना रही हैं कि यार ब्रेक ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की जान बचा देती है, और ABS भी एक ऐसी चीज़ है भाई जो इंसान को मरने से, मौत के मुंह से खींच लाता भाई। ABS तो ऐसी चीज़ है। एक बार और, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक आ गया था, 85, 88, 90, 96 यहाँ लेते हैं ट्रैफिक के बीचों बीच। भाई पीछे से ठोक मत देना कोई, 105 पे पैनिक। ओह सही है, सही है, सही है, ठीक है भाई। सस्पेंशन ट्रेवल भी बहुत प्यारा है यार इसका आगे का, और सस्पेंशन भी चेक कर लेते हैं भाई। अरे बाप रे, अरे यार सस्पेंशन, अरे भाई 200 cc की बाइक है क्या ये? अरे यार सस्पेंशन, वाह भाई वाह, अरे भाई साहब मजा आ रहा है यार इस पे तो। सस्पेंशन ट्रेवल आगे का तो है ही बढ़िया, पीछे का भी बहुत शानदार है यार। भाई एडवेंचर कैटेगरी में देखो एडवेंचर 390 आती है, KTM एडवेंचर 390, वो एक पावरफुल मशीन है, उसका मुकाबला वैसे कोई है नहीं। BS6 नॉर्म्स पे आई है वो बाइक, तो भाई उसमें प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, स्मूथनेस भी ज़्यादा होंगी, ये मुझे पता है। तो जल्दी एडवेंचर 390 की भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन वाला जो बटन है ना उस पर लट बजा देना, लट तोड़ देना उसको। वाह जी वाह, थोड़ा सा एडवेंचर कैटेगरी के मज़े ले लो खड़े होके। यार मज़ा आ रहा है इस बाइक में सच में, बट बाइक बहुत स्टेबल है यार। चलो एक ज़िगज़ैग टेस्ट चेक कर लेते हैं इसका। अरे लग नहीं रहा भाई 200 cc की बाइक है ये, ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी बाइक चला रहा हूँ। एडवेंचर बाइकों में ऐसा क्यों लगता है यार, कमेंट बॉक्स में बताना कि एडवेंचर बाइकों में ऐसा क्यों लगता है कि भाई होती 300 cc की है, लगती 500 cc की है। मीटर पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, गियर इंडिकेटर है, RPM मीटर है, और भाई ट्रिप मीटर है इसमें, फ्यूल इंडिकेटर तो सब में होता है। एवरेज भी दे रखा, बड़ी सही चीज़ है यार एवरेज, ये देखो 40 किलोमीटर पर लीटर एवरेज आ रहा है इसका, और टाइम भी आ रहा है इसमें, अप टाइम भी आ रहा है, राइट टाइम भी आ रहा है, 3 घंटे 12 मिनट टोटल इसको चलाते चलाते होगा बाइक को शायद, यही है बाकी इतना मुझे पता नहीं है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये टाइम है, टाइम अच्छा टाइम ही है यार ये, 3:12 घड़ी गलत चल रही है, नहीं नहीं टाइम यार ये है, ये राइट टाइम ही है, डेट भी आ रही है, वाह वेरी गुड। भाई एक बात बोलना चाहूँगा मैं इस बाइक के बारे में, देखो KTM एडवेंचर को एक साइड में कर दो, हिमालयन को एक साइड में कर दो, बात करता हूँ मैं कावासाकी वर्सेस 300 की और BMW GS310 की। भाई अगर GS310 बंदा कोई लेने का प्लान कर रहा है, भाई मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ इस बाइक के बारे में यार, देखो अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि 200 cc की बाइक है और मैं नहीं लेना और मैं एडवेंचर बाइक दूसरी लेना चाहता हूँ या किसी और कैटेगरी मतलब थोड़ी हाई एंड बाइक लेना चाहता हूँ, तो भाई मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार मेरे कहने पे इस बाइक को ज़रूर चला के देख लेना, सच में यार पैसा वसूल बाइक है ये, जितनी इसकी कॉस्टिंग है कॉस्टिंग के हिसाब से प्राइस के हिसाब से भाई साहब बहुत प्यारी बाइक है यार, बहुत प्यारी बाइक है। पता नहीं ये मतलब लोगों के फोकस में क्यों नहीं है, लोगों की नज़र में क्यों नहीं है बाइक, मेरे को समझ ही नहीं आया बाइक यार इतनी सही बाइक है यार, लग ही नहीं रहा कि यार मैं 200 cc चला रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई 300 या 350 cc चला रहा हूँ मैं। देखो ना यार 5 गियर में टॉप स्पीड इसकी 110-115 के आसपास ही होगी, अगर मैं थोड़ा सा लीन भी हो जाऊँगा ना तो 115-116 थोड़ा और लीन हो जाता हूँ, हाँ वही
120 के आसपास ही टॉप स्पीड है इसके, 121 क्रॉस कर गए बाबा, 121 मैक्सिमम। हाँ वही है, 120 के आसपास स्पीड है इसकी। बाकी यार 200 सीसी के हिसाब से 120 भी ठीक है एडवेंचर कैटेगरी में, एडवेंचर को ज़्यादा कोई भगाता तो है नहीं। ये जो बाइक बनी है भाई, ये बनी है ऑफ रोडिंग के लिए, हिल पे जाने के लिए, स्लश में चलाने के लिए, और भाई हाईवे पे बस बादशाह बन जाओ इस पर, और ऐसे भाड़ जाओ सीधे, टांगे कर लो सीधी, वाह, और चलते रहो भाई, वाह। ना तो नीचे वाइब्रेशन है ना ऊपर वाइब्रेशन है, वेरी गुड, पसंद आ गई भाई बाइक। भाई अगर मैं इस बाइक की रेटिंग की बात करूँ ना, रेटिंग की, तो भाई इस बाइक को मैं 5 में से 4.5 स्टार देना पसंद करूँगा इस बाइक को। अरे यार अल्टीमेट बाइक है तो यार, पता नहीं लोगों का इस पर ध्यान क्यों नहीं गया, कम सीसी है इसलिए नहीं गया शायद, लेकिन भाई बाइक में मज़ा आया, फुल मज़ा आया यार बाइक में। पैर रख लो लेग गार्ड पर सीधी, और कूले कर लो सीधे भैया, और अपने राइडिंग पोस्चर बना लो बेहतरीन वाली, और ऐसे बैठ जाओ मस्ती से, देख रहे हो। ओए सस्पेंशन मजे दे रहे इसके तो, क्या रियर सस्पेंशन भी बढ़िया भाई, फ्रंट तो है ही बढ़िया, क्या रियर भी एक नंबर है यार। इंटरसेप्टर का रियर सस्पेंशन बहुत हार्ड है यार, ओहो बड़ी लंबी मार्ग भाई। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। ओए लीन भी बढ़िया हो रही है, तो लीन भी सही हो रही है।